हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वृंदावन में हूँ पार्ट वन में, वैसे ही मैं आपके लिए आज पार्ट टू लेके आई हूँ। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने ऑटो ली, वहाँ से लेकर बांके बिहार जी के टेंपल तक हम लोग ऑटो से ही गए। वहाँ पर जो भीड़ थी उसको देखकर सच में मैं चौंक ही गई थी। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, कुछ देर मंदिर में ही रुकने के बाद भीड़ कम होती गई। उसके बाद हम लोगों ने बांके बिहार जी का दर्शन कर ही लिए। वापसी में मुझे बहुत सारी दुकानें मिली, फिर मैंने सोचा बहनों के लिए भी कुछ ले लूं। और उसके बाद मुझे भूख लगी इसलिए मैंने जली भी खाई और मेरे पापा ने कचौड़ी। इसके बाद जब मेरा मुंह मीठा मीठा होने लग गया तो मैंने पापा से थोड़ा कचौड़ी मांगी। फिर जब मैंने पापा से मांगा तो जो पापा का बचा हुआ कचौड़ी था वो पापा ने सारा का सारा मुझे खिला दिया। उसके बाद थोड़े रुकने के बाद हम लोग पहुंचे निधि वन। और दोस्तों वहां में बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, जैसे कि आप देख सकते हो। अंदर जाने के बाद भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसे कि आप देख भी सकते हो। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो वहां बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। क्या दोस्तों आपने नोटिस किया, यहाँ जो घर मैंने आपको जूम करके दिखाया उसमें सच में खिड़कियां ही नहीं थी। मतलब सच में मैं देखकर ये चौंक गई थी। क्या आपको ये सब जब देखते हो तो आपको विश्वास होता है? मैं सच बताऊँ ना, मुझे तो नहीं होता। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको विश्वास होता है। वापसी में जितनी मैंने सोची थी उतनी भीड़ तो नहीं थी। गाइस आपको सच बताऊँ, मैंने आके थोड़ी मिट्टी भी ली थी क्योंकि बहुत सारे लोग मिट्टी ले ही रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी ले ली। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे वहाँ नोटिस बोर्ड मिल गया कि मिट्टी लेने मना है, लेकिन मैंने तब भी ले ही ली। उसके बाद मैंने फोटो भी खींचवा। उसके बाद मैंने क्या ही खाया। आगे जाकर मुझे बहुत सारे सांप मिले, उसमें से मैंने अजगर मिला, उसे मैंने अपने गले में टांग दिया। उसके बाद मुझे वापस भूख लगी इसलिए मैंने दाल चावल खाया। कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।